माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमने पहला वीडियो बनाया इससे पीछे कि छह लगने वालों के लिए मूंगा जो है, कोरल जो है, ये एक वरदान स्टोन है। लेकिन उन्हीं कुंडलियों में अगर आपका मंगल नीच का है, आपका मंगल अगर नीच की राशि में बैठा है तो उसे नहीं पहनना चाहिए। समझिए, मेष लग्न में अगर चौथे घर में यहाँ पे मंगल है, चार नंबर में मंगल नीच का हो जाता है। यहाँ पे कर्क लग्न में, लग्न में सिंह लग्न में, 12वें घर में अगर यहाँ पे आप मंगल का स्टोन पहनोगे जहाँ भी नीच का है, तो आपको गुस्सा बढ़ेगा और कुछ लग्नों में तो ज्यादा नुकसानकारक होगा। जैसा ये सिंह लग्न है या तो फिर ये वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न है और धनु लग्न है। अब ये दोनों में तो वो एक्सीडेंट का मालिक बन जाएगा। आपकी कुंडली में अगर मंगल नीच का है तो ये दुर्घटना, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, ऐसी चीजें यहाँ पे ये देता है 12वां और ये 8वें घर का नीच का मंगल। तो ये यहाँ पे तो और ज्यादा घातक हो जाएगा सिंह लग्न और धनु लग्न वालों के लिए। तो ऐसे में अगर मंगल नीच का है तो गलती से भी मंगल मत पहनो। बाकी भी यहाँ पे भी एजुकेशन में है, डिसीजन में नुकसान देगा, गुस्से में और बढ़ाएगा, वृश्चिक भाग्य हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। कर्क लग्न में हेल्थ पर नेगेटिव असर होगा, आपके बिहेवियर पे, स्वभाव पे आपके नेगेटिव असर होगा। सिंह लग्न में तो लॉस भी करवाएगा, 12वें घर में नीच का होता है। मेष लग्न में चौथे घर में है, वाहन से हानि होती है, मकान से हानि होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो नीच का हो तो नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, 8वें 12वें घर में भी कुछ लोग मना करते हैं नहीं पहनना है, हर किसी को सूट नहीं होता है। लेकिन कारक ग्रह है, अगर 8वें 12वें घर में सिचुएशन के ऊपर देखा जाता है उसका अंशात्मक बल क्या है, वो अस्त का तो नहीं है, उतना डीप आपको कुंडली देखकर ही पता चलेगा। किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर आप पहन सकते हो। 8वां 12वां घर हर जगह मेंशन नहीं किया है क्योंकि कई सिचुएशंस में 8वें 12वें घर में स्टोन्स पहनाए जाते हैं और अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। कुंडली देखकर ही पता चलेगा कि उसकी सिचुएशन क्या है, अस्त का तो नहीं है, उसका अंशात्मक पावर क्या है, वो देख के ही पता चलेगा। ये खाली जनरली हाई मेन पॉइंट है कि अगर इस तरीके से नीच का है आपके इन छह लग्न में, बाकी लग्न वालों को तो मंगल पहनना ही नहीं चाहिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखानी हो तो पूरे भारत समेत कई देशों से लोग अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखाते हैं। 3 दिन बाद बात होती है अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद। वेबसाइट से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट आपको वीडियो में नीचे दिखी जाएगी, वेबसाइट पर आप जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और कोई भी स्टोन्स भी मंगाने हो तो पूरे भारत में हमारा सप्लाई है। पिछले कई सालों से ओरिजिनल स्टोन्स गवर्नमेंट लेबोरेटरी के सर्टिफिकेट के साथ हम लोग पूरे ओरिजिनल की गारंटी के साथ भेज रहे हैं, आप भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद।